महाराष्ट्र में करीब एक महीने से सरकार बनाने को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनते नजर आ रही है। हालांकि कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र में जारी महाभारत में पवार मंझे हुए खिलाड़ी की भूमिका में नजर आए। पिछले 28 दिनों से नई सरकार का इंतजार कर रहे महाराष्ट्र का इंतजार अब खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद गेम ऑफ पवार शुरू हुआ था। तीन अलग विचारधाराओं की पार्टियों को एक मंच पर लाने जैसे मुश्किल काम का जिम्मा पवार ने अपने ऊपर लिया। बीच बीच में पवार अपने बयान से राजनीति में हलचल भी पैदा करते रहे। सर, आज प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात है। अरे सर, आज प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात है। राज्यसभा के 250वें सत्र पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी का यूं अचानक एनसीपी की तारीफ करना महज एक संयोग था, वो भी ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का दावा करते नजर आ रही है। या फिर पीएम शरद पवार की पार्टी की तारीफ कर कुछ संकेत देना चाहते थे। मैं आज हो सकता है मैं जिन का उल्लेख कर रहा हूं इसके सिवाय भी लोग होंगे, लेकिन मैं दो दलों का आज मैं उल्लेख करना चाहूंगा, एक एनसीपी और दूसरा बीजेडी। और किसी का नाम छूट जाए तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं दो का उल्लेख कर रहा हूं। इन दोनों दलों की विशेषता देखिए, उन्होंने खुद ने डिसिप्लिन तय किया है कि हम वेल में नहीं जाएंगे। हम सभी राजनीतिक दलों को सीखना होगा, इंक्लूडिंग माय पार्टी, हम सबको सीखना होगा कि ये नियम का पालन करने के बावजूद भी न एनसीपी की राजनीतिक विकास यात्रा को कोई रुकावट आई है, न बीजेडी की राजनीतिक विकास यात्रा को रुकावट आई है। मतलब वेल में न जाकर के भी लोगों के दिल जीत सकते हैं। 89 साल के पवार को गठबंधन सरकार चलाने का पुराना अनुभव रहा है। महाराष्ट्र की राजनीतिक उथल पुथल के बीच पवार की डिनर पार्टी में बीजेपी के 4 सांसदों का शामिल होना या फिर पवार का मोदी शाह से मिलना शिवसेना सहित सभी दलों को संशय में डाल रहा है। शिवसेना के कद्दावर नेता संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि पवार को समझने में कई जन्म लग जाएंगे। क्या प्रधानमंत्री से अगर कोई नेता मिलता है तो खिचड़ी ही पकती है क्या? प्रधानमंत्री देश के है, महाराष्ट्र में किसानों की समस्या है, पवार साहब या उद्धव ठाकरे साहब किसानों के बारे में हमेशा सोचते। अगर कल किसानों के मामले में उद्धव ठाकरे साहब अगर दिल्ली में आते हैं, हम सभी सांसद अगर मोदी साहब को मिलते हैं तो क्या खिचड़ी पकती है? हम तो सदन हो या बाहर हो, देश के प्रधानमंत्री है, कोई भी जाकर मिल सकते हैं। और पवार साहब कृषि क्षेत्र के एक जाने माने व्यक्ति है, राज्य में क्या हालत है उनको पता है। और हमने भी 2 दिन पहले जाकर पवार साहब को ये रिक्वेस्ट किया था कि राज्य की जो हालत है उस बारे में प्रधानमंत्री जी को ब्रीफ करिए। बाद में महाराष्ट्र के सभी सांसद अब वो पार्टी लाइन जाकर प्रधानमंत्री जी को मिलेंगे और राज्य के किसानों की हालत उनको बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स मदद केंद्र से हमको किसानों को देने की कोशिश करें। महाराष्ट्र में ताजा सियासी उथल पुथल के बीच एनसीपी कांग्रेस को सत्ता वापसी का रास्ता दिख रहा है, मगर शिवसेना के कट्टर हिंदूवादी छवि के कारण दोनों पार्टियां फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही हैं और सरकार बनाने में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती। राज्य की राजनीति गलियारे में लोग शरद पवार की भूमिका को पिछले 21 दिनों से गौर से देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 21 दिनों से शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के बीच खिचड़ी लगातार पकती चली आ रही है। अगर महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनती है तो इसका श्रेय पवार को ही जाएगा। पवार के बारे में कहा जाता है कि वो जो बोलते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो बोलते नहीं। पवार के 50 साल के राजनीतिक अनुभव की झलक पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रही है। अभी तक तो गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है, मगर पवार कब क्या खेल खेल जाएं कहना जरा मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।